अभी अभी चालू किया था। अरे अभी अभी चालू किया, 30 चोरी कर दी अभी अभी में, कितने 10 सेकंड में 20 सेकंड में, 4 महीने में, 4 महीने में 30 चोरी। अब सोचिए चोर अभी बच जाता तो साल में करता 120 चोरी, और एक मतलब तो हर मरते मरते 10-15 हजार चोरी कर डालते, छोड़ देते। 1 करोड़ की चोरी कर लिए फिर तो तुम सुधरे नहीं, नहीं करेंगे सर दोबारा गलती नहीं। अरे वो तो हर चोर चोरी के बाद यही बोलता है मैं नहीं करूंगा, इतने लोगों को 30 लोग परिवार सर आप नहीं करेंगे सर, समझ में आ गया। क्या समझ में आया, मतलब पूरा समझ में आ गया पूरा, एक परिवार अलग अलग तरह चोरी समझ में आ गया, टीवी चोरी कैसे करते हैं, मशीन चोरी कैसे करते हैं, बाइक चोरी कैसे करते हैं, स्कूटी चोरी कैसे करते हैं, घर की पूरा परिवार पूरा दिक्कत में हो जाता है, पड़ जाता है। ये कैसे मालूम चला तुम्हें, तब पकड़ाया था, पकड़ाए तो तुम्हारी आंखें खुली, नहीं पकड़ाते तो आंखें और बड़ी होती चली जाती। कहाँ कहाँ चोरी किया जरा बताओ, हमारे जिले में कहाँ कहाँ किया बोले बताओ। कवर्धा अंदर में कहीं भी नहीं किया। क्या कवर्धा टाउन में नहीं किया, टाउन में नहीं, जिले में कहाँ कहाँ किए हो। मैं लोहारा, लोहारा में कहाँ कहाँ किए हो। लोहारा में नहर पर किया हूँ और इंडिया में। क्या चोरी किए थे वहाँ पे। मैं कपड़ा दुकान, कपड़ा दुकान में कौन कौन गया था, कपड़ा दुकान 3 लोग गए थे। कौन कौन, तुम, आप और भाचा। भाचा 3 मिलके कितने क्या कह के चोरी किए कपड़े दुकान में। कपड़े दुकान पर 2 बोरी किए थे। 2 बोरी बस, ये है हमारा तो 2 बोरी तो बस है तुम्हारे लिए। और एक जी तक ठीक है, और दूसरा चोरी कहाँ किए थे बहरा में। एक कपड़ा दुकान में किए, दूसरा एक ही किया था वहाँ पिपरिया में। कितने किए पिपरिया में, तो घर था वहाँ तो नधुन किए। आदमी अपने घर को छोड़ता है तो घर को ही लूट डाले अपने। पिपरिया में कहाँ कहाँ किए, दशरंगपुर में किए। क्या किए उसने, हार्डवेयर दुकान में, हार्डवेयर दुकान में किए। सामान लाए थे बाकी वही थोड़ा बहुत लाए, बाकी क्या किए वो पैरा के पास है पा गए, वो तो दुखी हो रहे हैं पा गए, वो भी निपटा दिया उसने। और कहाँ चोरी किए, ये जो स्कूटी पांडा तरह से किए शोरूम में, वो कब किए। 2.5 महीना हो रहा, शुरुआत में किए हो क्या, मतलब अलग अलग इतने मतलब कहीं स्कूटी का कहीं इसका कहीं उसका अलग अलग चोरी करते थे। ये क्या चीज़ है, ये इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे, ये कहाँ से खरीदे हो, ये खरीदे कहाँ से हो, ये भी चुरा के ही लाए हो। हाँ सही बात, तुम्हें खरीदने की क्या जरूरत, खरीदना तो हमारे जैसे लोगों को पड़ता है, तुम्हें जो मन आया वो अपना हर माल अपना है। तो ये भी चुरा लाए, ये कहाँ से चुराए हो, इसके गांव से। बड़ी गाड़ी को चुरा बेटा, वहाँ कौन सा गाँव है, धमतरी है। तुम भाई दोस्ती कैसे हुई इससे, डेढ़ साल पहले दोस्ती हुई तो चोरी अभी क्यों शुरू हुई, 3 महीने से 1.5 साल से ही कर रहे होगे फिर तो। नहीं सर अभी, आ जाओ तुम भी स्पेशल आदमी दिखते हो। तुम कब से कर रहे हो चोरी। मैं तो अभी 8 तारीख को आया सर। क्या करने आए थे, ये कहाँ से खरीदे, ये तुमने खरीदा है क्या। नहीं सर चुराया हुआ है। कब चोरी किया इसका, अभी हमें प्यार का ही परमिशन मिला है, तुम चाहते हो कोई प्यार मोहब्बत करो या सही बता बताओगे। हाँ बता रहे हो, बताओ। 6 तारीख को चोरी किए, कहाँ से, धामतरी से चोरी किए। क्या किस टाइम, रात में किए दिन में किए, उसको चाबी भी कैसे ढूंढे, इसका चाबी वहीं था लगा हुआ था, लगा नहीं था वहीं दुकान पे, दुकान पे था, दुकान से चोरी को चाबी लिए, चाबी चोरी किए फिर इसको लगा और भाग निकले। कौन कौन लोग थे उस चोरी में, आप और, अरे नाम लगाया चोरी, देखो वही दोस्ती तो बड़ी अमीर टाइप की दोस्ती है, जेल में प्रकार है कि नहीं आएगी, टूट तो नहीं जाएगा। नहीं करेंगे सर दोबारा। हाँ छोड़ देंगे, अरे कहाँ छोड़ोगे यार, करोड़ों की आस पड़ गई है तुमको, 3 महीने में 1 करोड़ का पैकेज, मतलब 25-30 लाख महीना,
इतना तो बड़े लिखे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते क्या भाई? आपकी क्या राय है? सर, जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ भी चोरी किया है। टीचर ने परेशान किया होगा तो उसने गायब कर दिया स्कूल का सामान ही। क्या क्या चोरी किया था स्कूल से? लैपटॉप बस। बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होता अभी तक लैपटॉप, इतने पत्रकार बंधु के कुछ के पास नहीं होगा। देखो ये बात, लैपटॉप की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? मस्ती में चलो ये भी ले आते हैं, अपना माल सारा माल अपना संग्रहालय बना दिए बेचने के लिए। किसी के लाए थे? उपयोग करने के लिए। उपयोग अरे जरूरत बहुत ज्यादा है, 12 बाइक की जरूरत पड़ती है, परिवार में उतने सदस्य नहीं है। बाकी सर अपना बाकी गाड़ी अपना है ना, सरपंच बाइक मिस्त्री हूँ बनवाने के लिए दिया था। और इतना AC फ्रिज TV सब ले आए, उसका क्या करोगे? अपना ही सर, अपना ही लिए थे हम लोग। और पहले गांजा का भी काम करते थे सुना है मैंने, पहले करता था सर छोड़ दिया। हाँ, लगा गांजा काम करो। गांजा कहाँ से लाया करते थे? उड़ीसा से लाते थे। उड़ीसा में कहाँ से? जगह नहीं पता, जगह तो जाते हो गए ना, तो पता करके जाते हो गए। अंधाधुन आँख बंद किए कहीं पहुंच गए, उड़ीसा आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। उड़िया भाषा में लिखा रहता ना, वो आप पढ़ नहीं पाते। पढ़ नहीं पाते, बहुत समझदार हो तुम तो यार। वो कितना गांजा लाते थे वहाँ से? एक क्विंटल। 100 किलो? अरे भाई, 100 किलो गांजा को बेचते कहाँ थे? कोतमा कहाँ पे है? कोतमा कहाँ पे? MP में। MP जाके बेचता था? यहाँ ही बेचते थे क्या? आपने सप्लाई करते थे? सप्लायर थे अरे वो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, इसका कोई दूसरा था, तुम सप्लायर थे। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे देश में? वहीं बस। और यहाँ की जनता को भी परेशान, यहाँ कहाँ कहाँ बेचते थे? यहाँ नहीं, यहाँ पीने वाले तो होंगे, क्या बात है? हम लोग नहीं, कभी नहीं किए। जो यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ लोकल एरिया में नहीं करते ना सर, जानकारी हो जाता है। गांजा काम अच्छा था कि चोरी काम अच्छा था? दोनों काम बिगाड़ था। अरे यार, कितना कमाए हो इस काम से? और कमाया होगी तो चला गया सर, लगा में पूरा जितना कमाया नहीं उतना तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गया। घर भी बनाया बहुत तगड़ा, मैंने सुना है गांजा का पैसा। नहीं वो नहीं है सर, वो खेत बेच के किया था। अभी ऊपर बुलडोजर भी चलेगा जब केला बेचता था शहर में। अभी जब बुलडोजर चलेगा ना तो ठीक हो गए तुम लोग, परिवार के परिवार खत्म कर दिए। एक एक बार में एक एक क्विंटल गांजा बेचते हो और पूरा सामान चोरी करते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक भर गया है पूरा। और कहानी सुनाते हो मुझे? क्या नाम है बेटा? नारायण टंडन। आपके रिश्ते में उसके भाई? भाई ये पूरा फैमिली पैकेज है आपका। आप कब से जुड़े इस काम में? तो दो तीन महीना। स्वाति जो होता है इनिशियल, मतलब क्या कहते हैं उसको, फाउंडर्स, उस काम नाम रखे थे आपके चोरी कंपनी का? नहीं, मैं ज्यादा नहीं जाता था। ज्यादा नहीं है, जब मन हुआ बिजली जाते थे? नहीं, कभी कभी। कभी 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 कैसे याद आती थी कि मुझे भी चलना है? नहीं सर, तो कहाँ कहाँ कभी कभी में कहाँ कहाँ चोरी की है? कपड़ा दुकान है। कपड़ा दुकान? कुछ कपड़ा लिया आपने? लिए कपड़ा वहीं का तो नहीं है? नहीं सर, हाँ नहीं। तो और कहाँ गए? पांडा तरीका। नीचे नहीं थे तुमको? वहाँ से क्या क्या छपाए पांडा तरीके? बाइक लाए। कितने बाइक लाए? चार बाइक, दो तीन स्कूटी और एक। चार बाइक और तीन स्कूटी और एक साइन। और लाए होंगे लेकिन बता नहीं रहे, सच निकलता है ना कभी कभी मुंह से। पल्सर भी तो चोरी की है। समझ गया। देखो बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ चलता है ना पूरा निकाल लूंगा, समझ में आई बात? तब समझ में आता है मुझे। बड़े बड़े क्रिमिनल से मेरे सामने चू 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 बोलते हैं, ठीक है? अभी देखे नहीं हो मुझे यूट्यूब पे? कहाँ देखे हो? यूट्यूब पे देखते हो? मुझे नहीं, चोरी नहीं करना, बोला मेरा नाम पूरा खराब कर दिया। दुर्ग में इतना नाम बना के आया था मैं यहाँ पे,
पूरा डुबो दिया तुम्हारे गैंग ने मेरा नाम। 4 महीने है पत्रकार बंधु चढ़े हुए थे मेरे ऊपर, तुम लोग टावर तोड़ चोरी किए जा रहे हो बिना नॉन स्टॉप फैमिली पैकेज में, कभी भाई कभी बहन कभी ये कभी जीजा कभी किसी को नहीं छोड़ा, और ये इनके संस्थापक पटवार हो गया तू माली। माली तो भाई फूल लगाता है गार्डन में, तुमने ये चोरी के फूल कैसे खिला दिए? स्कूटी लाए थे। स्कूटी तो क्या आवश्यकता पड़ गई कि स्कूटी लाना पड़ गया आपको? आने जाने में दिक्कत होती है, बात तो सही बोल रहे हो, इसलिए तुमने स्कूटी उड़ा लिया। अभी तुम्हें कुछ और जरूरत पड़ जाएगी, गर्मी लगेगी तो एसी उड़ा लोगे, कभी तुम्हें ठंडी लगेगी तो कपड़े उड़ा लोगे, है क्या? नहीं सर। कहाँ करते हो मालिया काम? अभी जो जाए स्कूल में, अब बताओ स्कूल में रह के ऐसी हरकतें करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अभ्युदय स्कूल वालों को मालूम है आपकी कारनामे? हाँ, आपकी दोस्ती कैसे हुई इन भाई साहब से? फैमिली पैकेज में सारू को भी घेर डाला। अरे यार, माली का काम करते थे सम्मान से करते थे, कहाँ काम में आ गए। इसने आपको प्रोत्साहित किया कि आपने इसको प्रोत्साहित किया? प्रोत्साहित किया था सर, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। इसके यहाँ तो हर चीज़ का सोल्यूशन था। तो गांजा भी बेचता था, उसका भी बहुत पैसा था, उसी से ले लेते हैं यार। उसमें साधु नहीं बना था। जबरदस्ती में ले गए थे। क्यों ले गए थे इनको? ये मना करता था तब भी सत्तर में, अब मैं भी गुस्सा हो जाता था, नहीं जाते ही। सही बात है, इनका खाना मिलजुल के खाना है, मेहनत खा सब रहे हैं तो मेहनत सबको करना चाहिए। दोनों भाई को मैं ही मजबूर किया हूँ। मजबूर तो मोटिवेटर तो यार नेतागिरी कर सकते हो, चुनाव लड़ना है क्या तुम्हें? नेता नहीं लड़ना। जो भावी चोर बनने वाले हैं उनके लिए क्या अपील करोगे तुम? जो नए चोर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या अपील करोगे? चोरी के काम में घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए? नहीं घुसना चाहिए। आगे क्या करोगे जेल से छूटने के बाद? आगे मैं करूँगा एक दुकान खोलूंगा बाइक वाला। लेकिन सुनो, और चोरी के बाइक मत डालना। नहीं, रिपेयरिंग करूंगा ना। रिपेयरिंग करोगे? चलो, अब मेरे जिले में दिखना मत ऐसे गड़बड़ काम करते हुए, ठीक है? और गांजा का काम भी नहीं करना है? बहुत दिन हो गया सर छोड़ दिया हूँ, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, क्यों छोड़े थे उस काम को? ये काम बहुत गंदा था ना सर। गंदा तो ये गंदा साफ में क्या होता है, आदमी को थोड़ी छोड़ता है, या तो लॉक होने लग गया होगा उसमें, मुश्किल हो गया होगा, क्या हुआ, क्यों छोड़े? वो सब गद्दारी कर देता था, सामान को चोरी कर लेता था और कभी पकड़ा जाता था, नुकसान जाता था। कभी जेल गए क्या उसके NDPS में? हाँ, शादी आदमी है, कभी जेल नहीं गए फिर कैसे छोड़ दिए? उसको कारण होगा, छोड़े क्यों? ये बताएगा भाई, तो मिला था जेल में मिले थे ना, दोस्त मिला था। भी जेल गए हुए हो पहले? नहीं। कौन जेल गया? दोस्त गया था मेरा। ये भी गया था जेल? मेरा दोस्त गया था तो मिला था। मैं गाड़ी चलाता था ना सर, मिला कबाड़ी वाला का। कबाड़ी? देखो यार, मल्टी फैसेटेड आदमी है ये तो। कितने आवे थे काम में, कुछ छोड़ा नहीं तुमने, चोरी भी करते हो? नहीं चोरी नहीं सर, वो दूसरे का गाड़ी चला रहा था। कबाड़ी का काम कुछ करते थे? नहीं नहीं, तो कार्टून वार्टून खरीदते थे ना मार्केट में, उससे गाड़ी चला रहा था। ऐसा है, पहचान हो गया। ड्राइविंग भी आता है, रिपेयरिंग भी आता है, तो कहाँ ये सब काम में लगे हो? वो सब नुकसान हो गया सर, मतलब लगा था ये घर वाले सब लोन में है। लोन में है घर? कहाँ लोन लिए हो? 6 लाख का। 6 लाख? 30 घटनाओं को किया है? अरे भाई, मुझे बोल रहा है 3 महीने। तुम्हें क्या दिखता है, चेहरे है बेवकूफ़? SP साहब ही है क्या? चेहरा देखो मेरा, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? अरे भैया, माइंड का डॉक्टर हूँ, ऐसी बात करते हो। जानकारी है सर मुझे, क्या क्या जानकारी है बताओ जरा। आरोपियों ने 30 से अधिक थानों पर चोरी किया। अरे भाई, 5 नग मोटरसाइकिल, 5 नग स्कूटी, 1 नग महिंद्रा बोलेरो,
चोरी की गई हर तरह की संपत्ति, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, कूलर, अलमारी, जाली तार, राशन सामग्री, जूता, चप्पल, कपड़ा, हर एक वो सुमित बाजार टाइप का, वो नहीं होता ना, मार्ट टाइप का, सुपर मार्ट खोल सकते हो यार। अभी अजय नहीं पकड़ते ना, अभी तो कुछ दिन के बाद इसी घर जाकर सामान वामान खरीदना पड़ता है, आधे गांव वाले वहीं से दुकानें सामान खरीद रहे होते, सब दुकान तो खाली कर देता है ये, और दो दुकान भी चलाता है खुद भी, चोरी के सामान उसी में डालता है, दुकान ही है, एक ही है घर के पास जो है वो दुकान, एक तो है, एक तो है नहीं, दुकान है ही, कितना काम आता है ये, फिर उसके लिए सामान भी लगता है, सामान भी लगता है, इन्वेस्टमेंट जीरो है, प्रॉफिट पूरा है इसका तो। देखो उन पे नहीं गया पुलिस की नजर, ठीक है, जेल से छूटने के बाद अरे ये कबाड़ी का काम, गांजा का काम, नशे का काम, अरे दिखा मुझे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, अभी तो प्यार से बात कर रहा हूँ, उसके बाद ना पूरा स्टाइल जो है ना नाइकी का जो दिख रहा है ना, अभी नाइकी का टेढ़ा कर दूंगा पूरा, कभी नहीं करूंगा सर, समझा रहा हूँ अंतिम बार, रिपेयरिंग का काम करूंगा निकलने का, इसका देखा सीरियल भी निकालना है इसका उड़ीसा जाने का, ठीक है, ये अभी भी करता होगा गांजे का काम, ये कहानी सुना दिया कि 3 साल पहले, सर नहीं सर सच्ची बताऊंगा, मेरा गला खराब मत करोगे, ठीक है, मेरा गला खराब हुआ ना तो ठीक नहीं है तुम्हारे पास, दो चार दिन पहले ही हुआ, ये मन्नत मांगा होगा पूरा कवर्धा खाली कर दूंगा करके, अब मन्नत पूरा ही नहीं हुआ, और कहीं चोरी प्लान बनाया था यार, कंटिन्यूअस डेली वनडे T20 खेलते हैं डेली, ये लोग कहां से प्लानिंग की बात कर रहे हो, सीधा मैं चुका हूं, अभी भी हंस रहा है, लेकिन कब जाता था दुकान में, अब यार अलग अलग काम करता है, दुकान में कब जाता था देखने, हां यही बताया मुझे पहले, इसी दुकान को चोरी करना है कैसे डिसाइड करते थे, पहले मैं चला गया मतलब देखने के लिए जा रहा था, रेखी करते थे तो क्या देखते थे, रेखी में दुकान में ताला लगा हुआ है, फिर क्या करते थे, फिर बाद में जा रहे थे, कितने घंटे बाद, एक दो दिन के बाद, ओके खाली, तो ये पहले डिसाइड करते थे कि आज कपड़े वाले में करना है, आज इलेक्ट्रॉनिक में करना है, कि जो मन कर गया रेखी किया उसमें कर दिया, देख जिसकी जरूरत पड़े बात भी ठीक है, कभी टीवी फ्रिज की जरूरत पड़ी तो इलेक्ट्रॉनिक जगह खाली कर दिया, कभी राशन की जरूरत पड़ी तो राशन खाली कर दिया, ये SP ऑफिस में तो नहीं फंसा कभी, मेरे बंगले की तरफ नजर उठा के मत देखना, ठीक है, और ये ना कहीं नहीं देखूंगा सर, और देख भी नहीं पाओगे, देखे लायक नहीं छोड़ूंगा दोबारा, ऐसे उल्टे पुल्टे चीजें देखने की कोशिश की तो, ठीक है, बिल्कुल बंद करना है ये काम, इसको निगरानी में बदमाश में नाम खोलना है, ठीक है, गांजा का काम करता ही है, ये काम करता है, निगरानी नहीं रखने के कारण ये हाल है, सालों से कितने साल गांजा का काम किया, क्या 5 साल 10 साल 6 महीने, कितना कमाया गांजा में, जो कमाया वो भी नुकसान हो गया, अरे यार तुम तो बहुत शातिर आदमी है, भी टूटने वाला है, अगली फसल आदि फल फली फल करेगा, सब भी कहते हैं उनको स्कूटी मिला, कुछ और भी मिला चोरी में, बस स्कूटी मिला, इतना दुखी है, इतना हमारी चोरी के कुछ और इसको भी देते यार, कुछ स्कूटी दिए, सालू आदमी है आपका, चलो तो आप तो जेल से निकल के ठीक काम करना, ठीक है, ऐसे लोगों के चक्कर मत फंसो, अच्छा खासा स्कूल में काम करते थे, मेरी तरह वर्दी में टिप टॉप दोनों लग रहे हैं, देखो चलो संभल कर रहना, ठीक है, चलो खड़े कर देंगे, सामान खड़े हो बहुत मिला है।
लगातार चोरियों पे लगाम लगाने में एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 5-7 फासिड चोर पकड़े गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग हैं, इसमें 4-6 एक परिवार के हैं, 1 उनका दोस्त धमतरी का है। ये लोग पिछले 4 महीने में 30 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम दिए थे। कवर्धा क्षेत्र के 5 स्थानों में और दूसरे जिले कवर्धा, बेमेतरा, वहाँ भी इनके द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया था। इनके कब्जे से 7 नग मोटरसाइकिल, 5 नग स्कूटी, 1 नग महिंद्रा बोलेरो, चोरी की गई संपत्ति, कंप्यूटर, लैपटॉप, पंखा, कूलर, अलमारी, जाली तार, राशन सामग्री, जूता चप्पल, कपड़ा बड़ी मात्रा में मिला है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख से ऊपर है। ये लोग रेकी किया करते थे परिवार के 2 या 3 सदस्य, और उसके बाद 2-3 दिन रेकी करने के बाद वहाँ पर घटना को अंजाम दिया करते थे। ये लोग अपना बोलेरो, जो इनका पिकअप गाड़ी है, उसको महिंद्रा की लेके जाया करते थे, उसके सामान को लोड करते थे और रात में फरार हो जाते थे। ज़्यादातर चोरियाँ 11 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में इनके द्वारा की गई है। जो मास्टरमाइंड चोर है, पहले ये गांजा का भी काम किया करता था। ये खुद ही स्वीकार रहा था पूछताछ में कि करीब 5 वर्षों से इसके द्वारा गांजा का काम किया गया, जिसमें सैकड़ों किलो गांजा ये खरीद के मध्य प्रदेश में बेचा करता था। इन सभी चोरों के पूछताछ के आधार पर और भी अहम खुलासे हुए हैं, इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।